अभी मेरे मन में बस एक ही एम है कि वापस टीम में जाना है, और जैसे मैं पहले खेलती थी टीम के लिए खेलती थी वो खेलना है मुझे, और फिर से अपने टीम को आगे लेके जाना है, एक टीम बन के आगे जाना है, और खुद को भी प्रूफ करना है कि मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ। अभी डिफिकल्ट हो रहा है वापस आने में, पर धीरे धीरे मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक साल से मैं इन प्लेयर से मैं बाहर थी, और एक इंजरी के बाद प्लेयर को आने में बहुत मतलब सबके साथ इनकरेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जिनको इंजरी हुआ है वो समझेंगे, हर एक दिन अलग अलग पेन होता था, उस पेन को फील करना अलग अलग था, पर अभी मैं उस चीज़ को मतलब वो फील नहीं होता है। जब मैं ग्राउंड पे जाती हूँ, इंडिया टीम का लोगो पहनती हूँ, तो वो सब पेन चला जाता है मेरे लिए, वो पेन अब नहीं होता है, फील अलग लगता है, बहुत डिफरेंस है जब वो इंडिया टीम का जर्सी पहनती हूँ मैं। मेरे लिए बस एक ही टारगेट है कि मेरे ओलंपिक क्वालिफाई करना है, क्योंकि लास्ट लास्ट सीजन में जो भी हुआ हमारे टीम के साथ वो हमारे टीम के लिए बहुत हार्ड ब्रोकन टाइम था, क्योंकि अभी इस साल स्टार्ट हुआ है तो हम अपना ईयर अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं, और वुमेन्स फुटबॉल की जो ब्रेक हो गया था वो फिर से हम अपने लिए अपना ओपन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम क्वालिफाई करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे टीम के लिए अच्छा होगा, और जितने भी यंग प्लेयर हैं उनके लिए अच्छा होगा ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं इतना बोलूँगी कि अपना बेस्ट दो, फन भी करो, और जब फील्ड में जाते हो तो अपना 100% दो, और जब फील्ड के बाहर जब आते हो तो ये मत सोचो कि मैंने आज ये नहीं किया, बस इतना सोचो कि मैंने अपना 100% दिया, और वो जो चीज़ आप सोचा सोचा है वो चीज़ आप फील्ड में दो, और चैंपियन होकर आओ, और वो ट्रॉफी इंडिया में आना चाहिए।